वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी खबर देखने वाले करते हैं धन्यवाद। आओ देखते हैं खास खबर एक नज़र के मूहों बोल दिया तस्वीर नरसी नामदेव तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी अज तुहाडे कोल दाखा साहब आए ने, इहदे बारे की कहना चाहोगे? पूछ रहे थे गुरुद्वारा कदों शुरू होया। 1997 शुरू होया ये पानी के जमीन लगे बैठे थे। हौली हौली कृपा हो गई महाराज जी, जिमें जिमें जमीन नाल मिलती उन्हें नाल लाने रहे। ऐसे में 15 जमीन हो गई। धन्यवाद जी। दखा साहब गुरु घर आए हो, तुसीं नरसी बाबा नामदेव के जन्म स्थान के उत्ते, इहदे बारे की कहना चाहोगे? असीं हर साल यात्रू के तौर पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का मिलाप दिहाड़ा मनाने वास्ते हजूर साहब आए हैं। उत्थे खंडपाटा के भोग पैण उपरंत गुरद्वारा बंदा घाट विखे मिलाप दिहाड़ा मना के फिर वक् वक् जिहड़े स्थान ने गुरद्वारे ने उत्थे अपना मस्तक पाउण जांदे आ। और तकरीबन जदों भी आने का मौका लगता है भगत नामदेव का जन्म स्थान इस जगह पर नरसी नामदेव जी जो नगर बसया होया इतने अपना मत पाने वास्ते आके बड़ी खुशी प्राप्त होती है। और इतने आके जो पंजाब के सरदार हरचंद सिंह जी और उन्होंने सारे सहयोगियों और संगत के सहयोग के नाल जिहड़ा भगत नामदेव जी का गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बाणी दर्ज है और इन्हों का जिहड़ा संबंध, इस करके भी असीं इन्हां दी महानता समझते हैं कि इन्हां ने काफ़ी लंबा समा पंजाब दे विच गुरदासपुर जिले घुमाणा दी धरती नूं पवित्र कीता। और उत्थों दीआं संगतां इत्थे आउंदीआं ने, इत्थों दीआं संगतां महाराष्ट्र चों उत्थे हर साल तकरीबन जांदे ने। उत्थे जिहड़ा सालाना जोड़ मेला मनाया जांदा और भगत नामदेव जी अपने समय के उच्च कोटि के श्रोमणी भगत होए ने और जिन्हां 15 भगतों ने गुरु ग्रंथ साहिब के विच अंकित की है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने और इन्हों के शब्द श्लोक भी दर्ज ने। और 15 भगत 11 भगत 4 गुरसिखा भी जी बाणी के गुरुआ ने दर्ज की है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब इन्हों की महानता अपना जो भी संगत हजूर साहब आदियां ने उन्होंने ये मन की अवस्था होंगी है कि असी इस स्थान पर भी आके अपना मन पाइए। तो असं भी अज अपना मन पाने वास्ते आए हैं और अरदास करते हैं कि सच्चे पाए।